लगा जा रहा है मोटर लगा आए और तो अचानक मुझे जाना पड़ रहा है घर पे, दीदी के घर पे। और क्यों जाना पड़ रहा है बस आप लोग देख के जाइए, थोड़ा जाना जरूरी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को हम बता दें कि अभी तो जाके देखते हैं किचन में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अचानक से प्रैंक के बाद से सब लोग चला गया, और कहाँ गया आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। और उसके बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सुबह का रूटीन जो है, जैसे हमारे घर में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि कौन कौन सा फूल जो है बहुत ही खूबसूरत सा हुआ है। तो आप लोग बस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लग रहा है ये पूरा पार्ट। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। खुश रहो, खुश रहो, जा एकदम जल्दी से जाओ, सब चलाना। कब से काम करना है, बाला खोल जाएगा सब जाएंगे लोग। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, मम्मी रहेंगी। लगा जा रहा है जब भी जाती है मनीषा, लास्ट में मम्मी ये अपना ड्यूटी निभाती है, इसी जगह पे खड़ी हो गए पिन लगाने वाला। ओके गाइस बाय बाय, बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह का टाइम हो गया है और मेरा टहलने का रूटीन है कि हम रोज़ टहलते हैं सुबह में उठ के। तो अभी चल रहे हैं छत पर टहलने, और सुबह के 5:30 हो रहा है। तो 5 बजे से हम जग गए हैं, और जग के अपना सब बाथरूम वगैरह हो लिए हैं। अब थोड़ा सा देख रहे हैं इधर टहलेंगे, टहलने के बाद से आप लोगों को दिखाने के सुबह सुबह का मेरे गार्डन में इतना अच्छा गुलाब खिला हुआ है, देख के मन खुश हो जाता है। उठ के आते हैं तो इसीलिए घर में हरा भरा पेड़ पौधा रखना चाहिए, और रखने से क्या होता है कि देख के मन ही हो जाता है। तो कल तो पानी नहीं डलाया है इसलिए सूख रहा है ये, लेकिन आज सब में पानी डालेंगे। हम तो डालेंगे पाइप से, नहीं तो आएंगे काम करने वाली उनसे डलवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, कितना प्यारा गुलाब खिला हुआ है मेरे गार्डन में। तो आप देखिए इतना सुंदर लग रहा है देखने में, और देख के गाइस एकदम मन खुश हो जाता है मेरा। ये सब फूल पौधा ये सब जितना भी होता है देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि फूल खिल गया है मेरे घर में, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इधर भी है सारा फूल, और ये किस चीज़ का फ्लावर है आप लोग बताइएगा। देखिए कितना सारा निकल रहा है, ये एक भी फूल है। तो ये सब देखते हैं गाइस ना, तब मेरा मन एकदम खुश हो जाता है फूल देख कर। और यहाँ गुलाब का, और ये सारा कपड़ा धुल के कल के मनीषा डाली है। यहाँ जो चूल्हा निकाले थे ये चूल्हा इसी तरह है, अब देखते हैं आज इसको रखवाएंगे सज्जा पर। और यहाँ पर देखिए गाइस, ये पूजा करना है तो पूरा फूल निकल जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसा ही हो, प्रसाद सब बांटते बांटते उसके बाद ये हम पहने हैं। गाइस देखिए कितना मस्त मस्त खिला है फूल, ये गोरखपुर से लाए थे तो वहाँ का ये फूल है। तो ये सब सूख गया था, अब इसमें पानी डलवा रहे हैं। तो अब 6 बज गया है, अब इस समय झाड़ू लगाने वाली भी आ गई घर में, और हम लोग पानी डाल के अपने पीछे टहल लिए। अब देखते हैं गर्म पानी या चाय मिले। हे गाइस अभी 7:45 हो रहे हैं, और अब चाय हम लोग का मिल गया है। ये रेड चाय बना है,
और यहाँ पर पानी का गिलास आया है ये मेरे लिए। तो गाइस यहाँ पे फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे घर पे बन रहा है छोला भटूरा, जो कि मम्मी यहाँ पे अभी है, क्योंकि हम लोग घर में तीन जन बचे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतना मस्त जो घी चलाने के बाद 300 ग्राम से बेसी निकला। तो यहाँ पे मम्मी जो है आज 300 ग्राम से भी ज्यादा ना घी निकाल दी। तो उस दिन जो था वो थोड़ा सा कलर उसका डिस्चार्ज लग रहा था, अभी जो था अभी कलर जो है मस्त भी आया। और यहाँ ये वाला पार्ट कौन खाता है कमेंट कीजिएगा, खकोरी ना जो बसता है इसको क्या बोलते हैं मम्मी, खकोरी बोलते हैं ना, खकोरी बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज बन रहा है मस्त गर्मा गर्म छोला भटूरा। तो छोला का भटूरा जो है छोला बन गया है, भटूरा बन रहा है। तो गाइस आप लोग के घर पे क्या बना है आज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, कैसे बनाते हैं मम्मी छोला भटूरा? दही से साना है इसको, कितना लोग खाने वाला सोडा से सान के बनाते हैं, सूजी पर बनाते हैं, हम लोग मैदा का बनाए हैं। तो गाइस क्या है ना कि हम लोग के घर पे थोड़ा दही बच गया था, तो सोचे लोग जमाए थे छठ के दिन दही, तो उसको क्या किए हम लोग, तो उसको जमा दिए किसमें, लकड़ी के चूल्हा पे बहुत टेस्टी होता है दही, तो हमको मन किया तो उसी पे जमा दिए, और बच गया था तो सोचे कि बना दे इसको। और ये जो है इसमें बना है इसमें मैदा से। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको ये वीडियो में क्या देखने को मिलता है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आना बाकी है अभी। और गाइस यहाँ पे निकल गया है भटूरा और ये है छोला, और इसमें डला रहा है प्याज। तो आज तो भाई गर्मा गर्म टेस्टी सा खाना मिला है, अब हम लोग जाएंगे हम खाते हैं इसको। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ब्रेकफास्ट में आपके घर प्याज क्या बना था वैसे। चलिए और गाइज आप लोगों को बहुत ही मस्त जो पार्ट है, यानी कि अभी दीदी के घर से कुछ गिफ्ट मिला था और गिफ्ट के साथ साथ भाभी के घर से भी कुछ गिफ्ट मिला है, तो चलिए उसको दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लगा, पसंद था आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस अब देखने के बाद से वीडियो में आप लोग को ही पता चल जाएगा कि कैसा है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले मम्मी बैठी है वहाँ पे और कपड़ा इतना सारा पड़ा हुआ है, तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं लो इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि अभी फोल्ड कर रही है मम्मी, और यहाँ पे पड़ा हुआ है कपड़ा जो कि आप लोगों को दिखाते हैं अभी हम। हेलो गाइस, तो आप लोग देखिए ये पिज्जा हमको भेजी है अपने ससुराल से, वहाँ गई थी घूमने नेपाल, तो वहाँ से मेरे लिए स्ट्रॉ अच्छा लग रहा है, हल्का है। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये स्टार जो है गर्मी ठंडा के लिए, मतलब हल्का, हाँ हल्का ठंडा के लिए है। और ये मनीषा लाई थी, सचिन मन से गया था तो ये लाया है ब्लैक कलर का, ये भी खूबसूरत है। वैसे ब्लैक कलर का मेरा फेवरेट होता है, रेड ब्लैक भी अच्छा है सब। गाइस आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आता है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मम्मी का जो अभी अच्छा लगता है ब्लैक कलर का, रेड ब्लैक बहुत मस्त लगता है। और ये हमको छठ में मनीषा के घर से आया था, मनीषा के लिए भी आया था और मेरे लिए भी आया है। तो ये साड़ी है और ये सब सामान है इस पर, ये साड़ी है। तो गाइस ये वाला जो साड़ी आप लोग देख रहे हैं ये भाभी के घर से, और कितना अच्छा से इसमें डिजाइन भी आप लोगों को। दो साड़ी आया था, तो एक साड़ी वो उसके लिए आया था, एक साड़ी मेरे लिए आया था, तो यही साड़ी है, तो हम सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। और आप लोग मेरे फैमिली का है इसलिए हर चीज़ दिखाना पड़ता है, तो देखिए कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ये सब जो है इस पर कढ़ाई भी लगा हुआ है, हाँ रेशम का वर्क है, ठीक है साड़ी अच्छा है। और कपड़ा कैसे का है? कपड़ा भी सही है। किस चीज़ का कॉटन है क्या? नहीं कॉटन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोग कैसा लगा साड़ी, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आज, बहुत ज़्यादा हंसी आने वाला है, आप लोग बस बने रहिए। तो गाइस अचानक मुझे जाना पड़ रहा है घर पे, दीदी के घर पे, और क्यों जाना पड़ रहा है बस आप लोग देखते जाइए।
थोड़ा जाना ज़रूरी है, तो मैं अभी 2 मिनट में निकलने वाला हूँ और निकलने के बाद से आप लोगों को बात करवाता हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा।